Coulomb's law in vector form. So initially into this topic we draw a diagram in vector form. Let us consider two point charge Q1 and Q2 are present in XY plane. So ye Q1 hai and this is Q2 at point A and B with position vector R1 and R2. So ये Q1 का position vector है origin से R1 and this is position vector of Q2 vector R2. Now ये दोनों force की जो nature है, दोनों charge की जो nature है वो repulsive है. दोनों चार्ज पॉजिटिव है, सो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा. Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा इनटू दिस डायरेक्शन एंड दिस फोर्स इज F21. F21 क्यों? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स Q1 की वजह से. एंड सिमिलरली ये वाला पॉइंट चार्ज Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा इनटू दिस डायरेक्शन और इसका नाम लिख रखा जाएगा F12, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. सो डायग्राम बनाने के बाद, डायग्राम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और डायग्राम बनाने के बाद अब हमें इनके बारे में लिख लेना चाहिए, एक थ्योरी बना लेते हैं. सो लेट टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्रेजेंट इन XY प्लेन एट पॉइंट ए एंड बी विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 एंड R2. नाउ F21 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड F12 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2. नाउ वी कैलकुलेट फोर्स F21 इन वेक्टर फॉर्म. F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F21 हम कैलकुलेट करें तो इस टाइम पर जो डिस्टेंस लिया जाएगा ए बी एंड दिस इज नोन एज R12, राइट. सो R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. सो गाइज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, दिस इज स्केलर फॉर्म एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म और एक वेक्टर स्केलर के इक्वल नहीं हो सकता. सो इस स्केलर को साथ साथ में डायरेक्शन और देनी पड़ेगी. सो नाउ डायरेक्शन देने के लिए हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन के अलोंग हमारा फोर्स लगता है उसी का हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे. सो हियर वी यूज यूनिट वेक्टर डिस्टेंस ए बी मीन्स R12 का यूनिट वेक्टर. सो R12 यूनिट वेक्टर कैप एंड द वैल्यू ऑफ R12 इन 11th क्लास वी रीड ऑलरेडी R12 इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड. सो पुट दिस वैल्यू हियर
एफ टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्साइलेंट नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर वन टू वैक्टर अपॉन आर वन टू मैग्नीट्यूड। सो टू पावर यहाँ पर है, वन पावर यहाँ पर है, तो टोटल पावर हो जाएगी थ्री। नाउ एफ टू वन इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्साइलेंट नॉट आर वन टू मैग्नीट्यूड क्यूब इंटू वैक्टर आर वन टू। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे एफ वन टू। एफ वन टू कैलकुलेट करते टाइम एफ वन टू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्साइलेंट नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन, जब एफ वन टू को हम कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पर हमें डिस्टेंस लेना है बी ए, मीन्स ये अपोजिट हो जाएगा आर टू वन। सो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वन टू एंड बी ए इज इक्वल टू आर टू वन। राइट, सो गाइज नाउ एफ वन टू इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्साइलेंट नॉट आर टू वन मैग्नीट्यूड इंटू, सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या यूज करने वाले हैं यूनिट वैक्टर, एंड यूनिट वैक्टर आर वन टू एंड वैल्यू पुट करेंगे। सो ये आएगा आपका एफ वन टू इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट आर टू वन क्यूब इंटू आर टू वन वैक्टर। बट गाइज पॉइंट नोट करने वाली बात ये है, वैक्टर ए बी एंड वैक्टर बी ए आर इक्वल एंड अपोजिट। सो बट आर वन टू इज इक्वल टू नेगेटिव आर टू वन, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। सो पुट दिस वैल्यू इन टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम आर वन टू की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, माइनस आर टू वन। सो देयरफॉर एफ टू वन इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्साइलेंट नॉट, ये मैग्नीट्यूड में है तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, आर टू वन क्यूब इंटू आर टू वन। अब ये माइनस हम आगे ले आएंगे तो आर टू वन, यहाँ से माइनस को हम आगे रखेंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर फोर्स एफ वन टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से किसका वैल्यू बन जाता है एफ वन टू। सो राइट नाउ वी कैन राइट एफ टू वन इज इक्वल टू नेगेटिव एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ वन टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सो गाइज बोथ चार्ज q1 एंड q2 अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों के दोनों चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। सो गाइज कूलम्स लॉ
कूलम्स लॉ, कूलम्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में उसको हम कूलम्बियन फोर्स भी कहते हैं। सो कूलम्बियन फोर्स की जो रेंज होती है, रेंज की अगर बात करें 10^-15 मीटर टू 10^18 मीटर। सो छोटी से छोटी डिस्टेंस जो हमारी 1 फेमटोमीटर होती है वहाँ से लेके 10^18 मीटर, ये बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलंबियन फोर्स इस स्मॉल डिस्टेंस पे भी एप्लीकेबल है एंड लार्ज डिस्टेंस पे भी एप्लीकेबल है। बट इससे नीचे ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? अगर ये पूछ लिया जाता है कि 10^15 मीटर से नीचे कूलम्स लॉ काम क्यों नहीं करता, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा न्यूक्लियस के साइज जितना डिस्टेंस होता है। अगर इससे नीचे हम दो चार्ज पॉइंट टू चार्ज पॉइंट्स आर प्रेजेंट लार्जर देन दिस डिस्टेंस, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल बिटवीन देम। तो उनके बीच फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल हो जाता है। तो इससे नीचे कूलम्स लॉ मतलब कोलंबियन फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता। और लंबी लार्ज से लार्ज डिस्टेंस की अगर बात करें 10^18 मीटर, सो ये अप्रोक्स 10^15 किलोमीटर बनता है। तो इतनी डिस्टेंस तक हमारा कोलंबियन फोर्स एप्लीकेबल है। दूसरा, कोलंबियन फोर्स ओनली चार्ज पार्टिकल के बीच एप्लीकेबल होता है, बट कंडीशन ये है कि वो एट रेस्ट रेस्ट में होने चाहिए चार्ज पार्टिकल, तो ही कूलम्ब फोर्स एप्लीकेबल है। सो ये लिमिटेशंस आ सकती है कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब फोर्स। तो सबसे पहली लिमिटेशन आपको ये बतानी है कि चार्ज पॉइंट हमारे रेस्ट में होने चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, और इससे 10^15 मीटर से नीचे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके नीचे डिस्टेंस पे हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल हो जाता है। सो गाइज, थैंक यू।